हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। फिर वही कहूँगी, कोरोना और COVID-19 के क्राइसिस में आप मेक श्योर करिए आप गवर्नमेंट गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं और अपने घरों में इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ ये टाइम। तो आज हम लोग अ सिंपल डिश मैंने सोचा आज बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे टमाटर चावल, दो जो आप इंग्लिश में कहेंगे टोमेटो राइस। ये बहुत इजी हैं और बहुत जल्दी बनते हैं। तो चलिए अब चलते हैं उसकी रेसिपी की तरफ। तो हमें टमाटर चावल बनाने के लिए चाहिए चावल, जो मैंने लिए हैं 1.5 कप। ये मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे, मैंने इस साइज़ का कप उसमें यूज़ करा है। फिर हमें चाहिए 7 फ्रेश टमाटर, 7 टमेटोज, ये मीडियम साइज़ के हैं। फिर हमें चाहिए 1 मीडियम साइज़ की अनियन, प्याज। फिर आगे चलते हैं मसालों की तरफ। हमें चाहिए चिली पाउडर जो है 1 टीस्पून। हमें चाहिए हल्दी, टर्मरिक जो है 1 1/4 टीस्पून। फिर हमें चाहिए नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डालिएगा, मैं अराउंड 1/2 टेबल स्पून लूँगी। फिर हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, ये है गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून। फिर हमें जो हम चावल भिगोएंगे हमें उसके लिए चाहिए ये वाले इंग्रेडिएंट्स। इसमें है सिनेमन स्टिक्स, ये हैं 4 से 5 स्टिक्स। फिर हमें चाहिए तेज़पत्ता, ये हैं 3। फिर हमें चाहिए काली इलायची, ये 2 हैं। फिर हमें चाहिए हरी मिर्च, ये 4 से 5 हैं। फिर हमें चाहिए ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये है अराउंड 15 होंगी ये। फिर हमें चाहिए लौंग, ये हैं 4 से 5। हमें तेल चाहिए, ऑब्वियसली जब मैं कुक करूँगी मैं बताऊँगी। और हमें हरा धनिया चाहिए होगा, जो मैं आपको तब बताऊँगी जब मैं उसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं फ्रोज़न यूज़ करती हूँ। अब हम प्याज काट लेते हैं। तो मैं क्योंकि जब मुझे छोटी प्याज काटनी होती है तो मैं ये जो ग्राइंडर सा है मैनुअल, ये मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसमें बस थोड़ी सी मोटी सी प्याज मैंने काट ली, ग्राइंडर को खोला। ये वैसे मैं अमूमन यूज़ नहीं करती हूँ इस तरह के ग्राइंडर्स, बट ये मैंने जब लिया तो मुझे बड़ा ये इजी लगा। तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था तो आप इसको ले सकते हैं। अब आप इसकी स्ट्रिंग को खींचिए। ये देखिए, बहुत जल्दी और बहुत आराम से कट जाती है प्याज। तो मैं इसी तरह से अब टमाटर भी काट लूंगी। अब इसी तरह से जैसे हमने प्याज करी है, हम टमाटरों को चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये टमाटर काफ़ी डलते हैं। तो इसमें मेक श्योर करिए अच्छी तरह से चॉप हो। तो आप अगर चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये मैनुअल यूज़ करती हूँ। ये देखिए, अब ये टमाटर सारे अच्छे से चॉप होंगे छोटे। तो अब हम पैन में डालेंगे तेल, तो ये है 2.5 कुकिंग स्पून, क्योंकि जो चावल होते हैं चावल में तेल ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सोक कर लेते हैं चावल। अब इसको गर्म होने दें तेल को। तेल गर्म हो गया, हम उसमें प्याज डालेंगे। इसको अब हमें प्याज को थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक वेट करना है। इसको हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस गुलाबी सा कलर हो जाए जब तक ये प्याज पक जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। बस ये ऑलमोस्ट हो गई है प्याज। अभी थोड़ी देर में मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैं फिर कहूँगी कि आप फ्रेश लहसुन अदरक यूज़ करा करिए, क्योंकि पहले मैं भी यूज़ करती थी रेडीमेड, लेकिन उससे जो टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव और ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं तो बिल्कुल स्ट्रांगली कहूँगी कि आप लोग लहसुन अदरक, या तो लोग फ्रीज भी कर लेते हैं पेस्ट बना के, तो वो काफ़ी दिन चल जाता है।
तो जरा थोड़ा वो लगती है, मेहनत लगती है, लेकिन हो जाता है। अच्छा, इसी टाइम बस आपको इसको एक मिनट तक लहसुन अदरक को जरा थोड़ा सा पकाना है। और बस अब हम मसाले डालना शुरू करेंगे। तो पहले मैं डाल रही हूँ मिर्च, फिर हल्दी। अच्छा, इस टाइम मैं नमक नहीं डालूंगी, नमक मैं जब डालूंगी जब मैं टमाटर डाल लूंगी। बस इसको जो थोड़ा सा पकाना है, ध्यान रखिए मसाला जले ना, क्योंकि हल्दी और मिर्च डालकर अगर टमाटर ना हो तो बहुत जल्दी जलने लगता है मसाला। तो अगर बाय चांस ऐसा हो आपके साथ तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, मसाला नहीं जलेगा। लेकिन बस चलाते रहिए चम्मच इसमें। बस अब हम इसमें जो हमने चॉप करे थे टमाटर वो डालेंगे। आप देखेंगे कि टमाटर की क्वांटिटी बहुत है, वो इसलिए है कि जो चावल है वही टमाटर के हैं, तो इसमें टेस्ट ही सारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो टमाटर है। और फ्रेश टमाटर यूज करिएगा, टिन के मत करिएगा, क्योंकि फ्रेश टमाटर का जो टेस्ट आएगा वो डिफरेंट होगा। अब इस टाइम पे हमें टमाटरों को पकाना है सही से, तो मैं अब ढक्कन लगा के इसको कम से कम 5 से 6 मिनट पकाऊंगी और फिर मैं इसको ओपन करके देखूंगी और नमक मैं तब डालूंगी। अब हम टमाटरों को देखते हैं। ये देखिए ये अब हल्के हल्के भुनने पर आ रहे हैं, तो इस टाइम हम नमक डालेंगे। अच्छा, मैं नमक यूज़ करती हूँ पिंक हिमालयन सॉल्ट, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। और जब हम चावल डालते हैं तब भी नमक कम हो जाता है, तो ज़रूर इसको चेक ज़रूर करिएगा कि कुछ लोग थोड़ा तेज नमक खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो इसलिए आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमें इसे पकाना है जब तक ये सही तरह से भुन ना जाए, और फिर हम चलेंगे राइस की तरफ, क्योंकि राइस हमें अलग से बनाने हैं। तो इसको हम होने देते हैं, हम मीडियम इसकी आंच कर देते हैं और फिर हम राइस की तरफ चलते हैं। तो हमने इस तरफ चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी, क्योंकि नहीं तो चावल फीके रह जाएंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 टीस्पून नमक। फिर इसमें मैं वो खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, तो ये है काली इलायची 2, ये है ब्लैक पेपर काली मिर्च, ये है लौंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है दालचीनी, सिनेमन ये ज़रूरी आप डालिएगा, क्योंकि इससे ही चावलों का टेस्ट आएगा। और ये रहा तेज पत्ता। अब हम इसको थोड़ी सी उबाली देंगे पानी को, और फिर मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। हमारा पानी अब अच्छे से गर्म हो गया, ये मैंने इसलिए 1 मिनट के लिए इसलिए रखा था कि इसमें सारे जो हमारे गर्म मसाले हैं उनकी जो स्मेल है वो पानी के अंदर अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें चावल मिला रहे हैं। अच्छा, चावल को आपको थोड़ा सा गुंजाइश पे छोड़ना है, पूरी तरह से चावल नहीं पकने चाहिए, नहीं तो वो दम पे नहीं बनेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी हमें कितने हद तक चावलों को पकाना है। अब हमारे चावल हम देखेंगे, ये देखिए ये अब ऑलमोस्ट 80% बन गए। अब हम इसे ड्रेन कर लेंगे पानी को, क्योंकि हमें फिर ये दम पे पकाना है, तो इसको ड्रेन करें। अब हम पानी को सारा ड्रेन कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा सा बिल्कुल पानी आपको छोड़ना है, ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा, कि वो दम में फिर चावल पक जाए। तो बस हमें इतना सा पानी छोड़ना है, बिल्कुल थोड़ा सा है ये पानी। आप एक किचन टॉवल ऐसे रख दीजिए और इसको आप करीबन 4 से 5 मिनट इसे हल्की आंच पे रखिए।
जब साइड से भाप निकलनी शुरू हो जाए धुआं, तो समझिए चावल डन हो गए। आप फिर बंद कर इसको बंद कर देंगे। तो मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखा है। अब हम मसाला देख लेते हैं। ये देखिए इसका तेल ऊपर आ गया है। मैंने ये बिल्कुल हल्की आंच पे कर दिया था क्योंकि चावल बन रहे थे। बस अब जैसी चावल बनेंगे फिर हम इसको चावलों में मिक्स करेंगे। अब चावलों में से भाप निकलना शुरू हो गई है तो हम इसको बंद कर देंगे और इसको उठा के देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से चावल बन गए। अब हम चावलों को मिक्स करेंगे जो हमने मसाला बनाया है टमाटर का। अब जो हमने चावल बनाए हैं बिल्कुल आराम से हम मिक्स करेंगे टमाटरों के सालन में। आप चावल साइड से निकालिए कि चावल टूटे ना। अच्छा, जब आपने हाफ चावल निकाल लिए हैं इस टाइम पे मैंने हरी मिर्चें थी जो मैंने स्प्लिट कर दी हैं बीच में से, आप वो डाल दीजिए। और हरा धनिया मैं फ्रीज करके रखती हूँ हरा धनिया, तो खूब हरा धनिया हमें डालना है इसमें खुल के, क्योंकि हरे धनिए की जो इसमें टेस्ट आता है, स्मेल आती है, बहुत ही लाजवाब आती है। हमने ये डाला। अब हम बाकी के चावल डालेंगे। ये बड़ी ही सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अब मैं चावल डाल के डाल दिए मैंने, मैं फिर से इसमें धनिया डालूंगी। तो आप कह रहे होंगे ये धनिया बहुत ज्यादा है, लेकिन आप मेरा इसमें वो लीजिए एक्सपीरियंस कि इसका वाकई बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो आप कम मत डालिएगा धनिया, भर के डालिएगा। बस अब हम चावलों को मिक्स करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से मिक्स करिए। ऐसे मिक्स करिए कि सारा जो नीचे का मसाला है वो चावलों में सही तरह से मिक्स हो। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी इस वक्त। ऑब्वियसली वीडियो में खुशबू तो नहीं आती, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू है क्योंकि इसमें जो खड़े गरम मसाले पड़े हैं उसकी वजह से बड़ी ही सौंधी सौंधी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। बस ये हमारे चावल मिक्स हो गए, अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। बस ये देखिए तैयार है हमारे टमाटर के चावल, टमेटो राइस। ये बहुत ही इजी रेसिपी है जो मैंने कहा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये ज़रूर ट्राई करेंगे, और स्पेशली मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स जो ऑब्वियसली मेरी ज़्यादा डिशेज नॉन वेजिटेरियन रही हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स और फैमिली ये ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो बस आखिर में मैं यही कहूँगी कि बी सेफ फ्रॉम कोरोना एंड COVID-19। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश खुर्रम रहें अपने घरों में और अपनी फैमिली के साथ। मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूँगी, मुझे ज़रूर मैसेज करें अगर आपको कोई स्पेशल रेसिपी चाहिए। और बस तब तक के लिए बस ये याद रखिए, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।